भीम आर्मी के समर्थन के अंदर महाराष्ट्र से भी यहाँ टूट कर लोग पड़े कि जो ये बेगुनाह जिन लोगों को बंद किया गया है, रावण का नंबर है, कल और का नंबर है, कल और का नंबर है, किसी ने हमारा भी नंबर होगा। इस सब चीज़ को देखते हुए, ध्यान में लाते हुए, आज महाराष्ट्र के लोगों ने यहाँ यूपी भवन पर धरना प्रदर्शन किया। हमारे बीच में एक महिला आई, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ये यहाँ क्यों आए। मैडम आपका नाम? कविता पवार, मैं महाराष्ट्र महिला प्रमुख को भीम आर्मी की नासिक से आई हूँ। मैडम आपके यहाँ आने का क्या एक मकसद था? हम यहाँ आए हमारे भाई के लिए आए, जिनके ऊपर झूठा रासुक कायदा लगाया है, वो निकालने के लिए हम लोग आए। अगर वो यहाँ के सरकार ने नहीं निकाला तो हम लोग पूरे भीम आर्मी की टीम और हर घर में हमारे एक भीम आर्मी का एक लड़का है, पूरे घर के और पूरे एरिया के, जिला नासिक, जिला शहर, सर हर जगह के हम आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे। सर भीम आर्मी के जो एडवोकेट चंद्रशेखर ने ऐसा क्या कसूर कर दिया है कि उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया? नहीं, ये मनुवादी मानसिक विचारधारा जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि हमारा हक के लिए जब हमारा हिंदू मुस्लिम, ये अपना दलित मुस्लिम या आदिवासी कोई भी नौजवान हमारे हक की बात करता है तो उनके लिए गुनाह हो गया। जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ उनमें जो आरोपी है उनको बाइज्जत बरी कर दिया, लगभग जेल से बाहर कर दिया और हक की लड़ाई लड़ने वालों को अंदर कर दिया। तो ये मैं पूरे देश, मेरा नाम है सर्जेराव कंबळे, मुंबई से भीम आर्मी उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश के हर नौजवान को सोचना होगा, बहुजनों के हर नौजवान को सोचना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए नहीं है, ये लड़ाई हर बच्चे के लिए है, हर नौजवान के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। हमें अगर इकट्ठा होकर हम इस गलत डिसीजन के खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। हमें इकट्ठा रह के हमारे हक के लिए जो संविधान ने हमें दिया है वो हक हम मांगेंगे, मांग के रहेंगे, और नहीं दिया तो हम हमारे हिसाब से जैसे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हमें ऑर्डर करेंगे हमें इस तरह से आंदोलन करना है तो वो हिसाब से हम आगे चलेंगे। कमरे जी, जैसे कि यहाँ बहुत पूरे भारतवर्ष के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तरह तरह के संगठन चल रहे हैं, तरह तरह की मुहिम चल रही हैं, एक भीम आर्मी के बनने से पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा रोष पैदा हो गया कि अपनी मांग को ना मांगा जाए। देखिए, इतिहास रहा है इस देश का, मनुवादी मानसिक विचारधारा जो है वो चाहती है कि बहुजनों में से कोई एक ऐसा मतलब जवाब पूछने वाला कोई पैदा ही ना हो, जो भी कोई खड़ा होता है उसको दबाने का काम करते हैं। तो हमको मिल के ये सोचना पड़ेगा, इस सोच को बदलना होगा। अगर देश को हम चलाएंगे तो अच्छी तरह से चलाने की उम्मीद करते हैं हम, तो ये गलत हो रहा है और इसका हम निषेध करते हैं। आज आपने धरना प्रदर्शन किया यहाँ पर, जो आज दिल्ली पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ में? देखिए, दिल्ली पुलिस तो मजबूर है, उनको जो ऑर्डर दिया जाता है वो फॉलो करेंगे, लेकिन हम पुलिस के हक के लिए भी लड़ते हैं। हम हर वो शोषित पीड़ित लोग हैं बहुजनों में से, उनके हक के लिए लड़ते हैं। हमें सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए हम आंदोलन अभी कर रहे, लेकिन हमें आने वाले दिनों में हर वो जाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है, हम शोषण करने वालों के विरुद्ध में है, और शोषण जिनका हुआ है उनको हम संगठित करके भीम आर्मी के माध्यम से महाराष्ट्र में पूरे आने वाले इन दिनों में आपको दिखाई देगा, आप चैनल दिखा देंगे पूरे देश को, महाराष्ट्र में बहुजन जो है भीम आर्मी के माध्यम से इकट्ठा होगी है, और सरकार को बता देंगे आपके गलत डिसीजन को हम चैलेंज करेंगे और संविधान के माध्यम से चैलेंज करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के विचारधारा के हम वंशज हैं। सर, ये बाबा साहब ने जन्म लिया महाराष्ट्र के अंदर जन्म लिया और एक मुहिम महाराष्ट्र से छिड़नी चाहिए थी, बहुत अच्छे ढंग से चलनी चाहिए थी, लेकिन वो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि वो समट के रह गई और उस मुहिम को और राज्यों ने अपनाया है। देखिए, बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको मानने वाले लोग बहुत है, लेकिन टुकड़ों में बटे हुए हैं। कुछ हद तक ये जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उन्होंने सोचना होगा कि हम टुकड़े में जो बटे हैं हमको एक होना होगा। हमारे हक की लड़ाई हम अलग अलग रह के नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम जिस तरह है, हमारा जो परसेंटेज है, तो हमको सोचना होगा कि बाबा साहब का जो आंदोलन पिछड़ा हुआ है क्योंकि बाबा साहब के बाद प्रबोधन ही नहीं हुआ है। संविधान के माध्यम से हमें जो मिलता है उसका जानकारी ना होने की वजह से हम टुकड़े में बटे हैं, सही प्रबोधन नहीं हुआ। हमारा एक मेन जो लीडर होता है जिनको बाबा साहब की विचारधारा समझाने का काम करना चाहिए वो नहीं हुआ है, इस वजह से कुछ हद तक हम लोग पिछड़ गए।
तो और बाकी बहुत सारे इश्यूज़ है, हम लड़ेंगे भीम आर्मी के माध्यम से और हम हासिल करेंगे। धन्यवाद।